से करना पड़ता है। गद्दारों के साथ मेरा बड़ा मेल पड़ा जिंदगी के अंदर, इसलिए मुझको जरा नफरत हुई हुई है मतलब नेता कई लोग। लेकिन जब कमांडर साहब को मैंने देखा सुना, और कहते एक मुरे उम्र के हिसाब से तजर्बा भी हो जाता है कि जैसा मन होता है वैसा उसका चेहरा हो जाता है। कमांडर साहब का आपका चेहरा भी देख लो, जगदग करता जैसे किसी महात्मा का हो। तो मुझे पूरा यकीन है कि आज आप अब जंग जीतने वाले हैं, जंग जीतने वाले हैं। हम पेंशन लेने आए हैं और पेंशन लेके रहेंगे। मुझे पक्का यकीन है कमांडर साहब हमारे आगे शेर हैं, हमको पेंशन दुआएंगे। इसलिए ज्यादा ना बोलता हुआ क्योंकि टाइम बहुत हो चुका, मैं इसलिए एक दो नारे लगा रहा हूँ। कमांडर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कमांडर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। धन्यवाद, जोरदार तालियां। 50 मैं आप सबका आभारी हूँ, राष्ट्रीय संघर्ष समिति के तरफ से मैं आपके आभार मानता हूँ। हमारे देश के जो जवान शहीद हुए हैं और जो हमारे ईपीएस के पेंशनर्स पेंशन की राह देखते देखते चल बसे हैं, उन सभी की आत्माओं को मैं हृदय से नमन करता हूं, वंदन करता हूं। हमारे संगठन के महासचिव आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी, कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय विनोद वर्मा जी, राष्ट्रीय सलाहकार पीएन पाटिल जी, हमारे पूरे देश से आए हुए स्टेट के सभी राज्यों के नेतागण, मेरे ज्येष्ठ बंधु भाइयों बहनों माताओं, मैं आप सबके चरणों में वंदन करता हूँ। मेरी आवाज आ रही है? आज हमारा आंदोलन 3 सालों से ज्यादा बढ़कर चल रहा है। पूरे देश में, पूरे राज्यों में, हर जगह हर तरह के आंदोलन हुए हैं। हमने भिक्षा मांगो आंदोलन किया और जो राशि जमा हुई वो हमने प्रधानमंत्री राहत कोष को दी। हमने कलेक्टर के ऑफिसेस में कई बार मोर्चे निकाले, तहसील ऑफिस में मोर्चे निकाले, उसके बाद हमने मुंडन आंदोलन करवाया, हमने अर्धनग्न आंदोलन किया, हमने ईपीएस के ऑफिसर्स को ताले ठोके, हमने अनशन किए, आमरण अनशन किए, और हमने आत्मदाह का कार्यक्रम भी करने की कोशिश की। यह आपका त्याग है, यह आपका बलिदान है। आपके खुद का पसीना बहाकर जब आपने एक एक पैसा जोड़कर सरकार को दिया कि ये पैसा आप रख लो और जब हम बूढ़े हो जाए वापस कर देना, लेकिन इन हरामखोरों की नीयत ठीक नहीं है। इन्होंने आपके पैसे दबा के रखे हैं। हर एक का 20 लाख रुपए सरकार के पास, और 20 लाख रुपए का ब्याज कम से कम 15-16 हजार रुपए होता है। उसके बावजूद 1,000 रुपए देने के बाद में अगर ये छाती ठोक के कहते हैं कि हमने मिनिमम पेंशन 1,000 कर दी, तो इससे बड़ी विडंबना इस देश में, इस समाज में और कोई नहीं हो सकता। हर घर में बुजुर्गों का मान होना चाहिए, हर देश में बुजुर्गों का मान होना चाहिए। क्या चाहते हैं हम? अब से लेके मरने तक हम स्वाभिमान से जीना चाहते हैं। हर दिन हम स्वाभिमान से जीना चाहते हैं, एक एक दिन हम स्वाभिमान से जीना चाहते हैं। लेकिन इन्होंने
हमें कहीं का नहीं छोड़ा। जो आदमी 50,000 की पेमेंट लेके आता था उसको आप 1,000 रुपए पेंशन दे रहे हो तो उस घर से उसका मान सम्मान चला गया है। हमारी स्थिति घर के उस झाड़ू जैसी हुई है, एक कोने में रखा गया है, वो पोछा जैसी स्थिति है कि पूरे घर का पोछा लगवाने के बाद निचोड़ पर सुखा दिया गया। हमारा पैसा होने के बावजूद हम अपने घर में लाचार, हम अपने नाती को एक फ्रॉक खरीदने की ताकत हमारे पेंशन में नहीं है। कोई दोस्त मिला तो उसको एक वक्त खाना खिलाने का होटल में, इतना हमारा हमारी हैसियत नहीं रही। जिस घर के हम कर्ता पुरुष थे, जिस घर का दातृत्व पितृ, कोई हरामखोरों ने छीन लिया हमसे, कहीं का नहीं रखा हमको। लेकिन हम अपना हक लेके रहेंगे। 7,500 रुपए और उस पर महंगाई भत्ता इनके बाप को देना होगा। ही सीधी उंगली से निकलेगा तो ठीक, नहीं तो हम उंगली टेढ़ी करना जानते हैं। जानते हैं कि नहीं? इस देश को बनाया हम, हर कामगार का हिस्सा इस देश की निर्मिति में, हर कामगार ने देश बनाया है, चाहे वो रोडवेज का हो, चाहे चीनी मिल का हो, चाहे इलेक्ट्रिक बोर्ड का हो, चाहे बैंकों का। हमने योगदान किया है, हमने श्रमदान किया है, और उसके बाद जब हम 60 साल के ऊपर के हो गए तो हमारे देश ने हमें भुला दिया। भाइयों, आपको मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं। आंध्र प्रदेश में हिजड़ों की पेंशन 3,000 रुपए कर दी गई, महाराष्ट्र में और कहीं साधु संतों को पेंशन डिक्लेयर हो रही है। जो लोग मिसा में अंदर गए थे उनकी पेंशन हो गई है। तो इससे हम क्या समझे? या तो हम जेल में जाए, या हिमालय में जाए, या फिर हिजड़े बने। मंजूर है क्या? मंजूर है क्या? अगर मंजूर नहीं तो हम अपनी पेंशन, अपना हक लेके रहेंगे। किस तरीके से लेना है यह भी हम सोचेंगे। आज कई लोगों ने यहां पे बताया कि हमें विकल्प ढूंढना चाहिए। अब विकल्प ढूंढे कैसे? एक चोर और दूसरा डाकू, विकल्प मिलेगा क्या? एक चोर, दूसरा महाचोर, तीसरा डाकू, यही हालत है देश में। जिसके हाथ में पड़ रहा है लेके भाग रहा है। लेकिन हम इस विकल्प पर भी सोचेंगे, जो सभी नेतागणों ने यहाँ पे कहा है कि हमें अपना खुद का विकल्प खड़ा करना चाहिए। आपको मंजूर है क्या? मंजूर है क्या? हम जितने भी हो, अगर नोटा नहीं दबाएंगे, नोटा दबाएंगे तो वेस्ट हो जाएगा। हम अपनी बास्केट रखेंगे, अपनी बास्केट रखेंगे और उसमें जितना पड़ता है अपना डालेंगे। मंजूर है? कम से कम देखें तो सही कि हमारी संख्या है कितनी। लेकिन इस पर मैं विचार करूंगा। मैं आज आपसे कुछ नहीं कह सकता। मैं सभी ज्ञानी ध्यानी लोगों से, बड़े लोगों से बात करूंगा और उसके बाद में 6 तारीख तक अपना निर्णय दूंगा। आपको मेरा निर्णय मंजूर होगा? मंजूर होगा? हमें 6 तारीख तक, 5 तारीख तक अगर निर्णय मिला तो ठीक। हमने प्रधानमंत्री जी को जो चिट्ठी आज लिखी है, निवेदन लिखा है, उसमें लिखा है 10 मार्च, 10 मार्च तक हमारी पेंशन का निर्णय होना चाहिए। अगर नहीं तो 15 मार्च को हम वृद्ध लोग रेल रोको आंदोलन करेंगे। भारत में 4 जगह करेंगे, ग्वालियर में, कलकत्ता में, बेंगलोर में और भुसावल में। ये 4 जगह पर रेल रोको आंदोलन होगा। मंजूर है? मुझे बुरा लगता है कि इस उम्र में, जबकि हमें आराम करना चाहिए,
घर में हमारे नाते पोती खिलानी चाहिए। उस उम्र में आज हमें संग्राम करना पड़ रहा है, युद्ध करना पड़ रहा है। शेम, 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 शेम। लेकिन अगर हमें आत्मसम्मान चाहिए तो हमें युद्ध करना पड़ेगा। हमें सड़ते सड़ते मरना नहीं है, हमें लड़ते लड़ते मरना है।